हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात। ये है सतगढ़, हम पहुंचे हैं अभी सतगढ़। बहुत ही सुंदर, कल बारिश हो रही थी तो आज बारिश नहीं है। धूप की किरणें जब पड़ रही हैं तो बहुत ही सुंदर ये व्यू दिख रहा है। देखिए पहाड़ जहाँ पे लोगों की बसायत है तो बहुत ही ज्यादा शानदार दिखते हैं। जोसुड़ी सोक्यान का ये भी यहाँ रिनोवेट कर दिया है। जो मैं बोल रही हूँ ये जसुड़ी सोक्यान का जो धर्मशाला है जो बनाया गया था पहले यात्रियों के लिए, तो इसको रिनोवेट कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक धरोहर है हमारे लिए, तो इसको हमें संभालना चाहिए। एक है यहाँ जो मेरी जानकारी में है सतगढ़ के पास है, तो मैं सतगढ़ वाला ही आपको दिखा रही हूँ। और नैनीताल रूट में भी है जिसको डीएम धीराज गर्ब्याल सर ने सबसे पहले रिनोवेट कर रखा है, वो भी बहुत शानदार बना रखा है। यहाँ पे बहुत ही बेकार रूट है और इस तरह से यहाँ से पूरा जो डामर है उखड़ चुका है रोड का। ये है NH09 के थोड़ा, मतलब थोड़ा ही है ऐसी बेकार स्थिति इस जगह पे, बाकी तो आगे रोड बहुत अच्छी है। अभी यहाँ पे कटान चल ही रहा है, ऊपर की पहाड़ी कट रही है तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस जोन है ये। अभी हम उस जगह पहुंचे हैं जहां से पुष्कर सिंह धामी जी के पैतृक गांव के लिए सड़क जाती है। ये सड़क उनके गांव को जाती है। सड़क की दशा तो ऐसी है, लेकिन हेलीपैड यहां पे बन चुका है। बहुत लंबा समय सफर तय करने के बाद हम चरमा पहुंचे हैं। यहां पे एक नदी बहती है और यहां पे आर्मी भी बैठी हुई है। सामने जो दीवार दिख रही है वो है यहाँ पे हेलीपैड। कोई भी अगर ऐसे सामान आता है आर्मी का कोई महत्व। अभी हुआ है लंच ब्रेक, तो हमारी दोनों बिल्कुल एनर्जेटिक टीचर्स आ रही हैं लंच करने के लिए। हाय। और मैं भी ना इनके साथ लंच करने के लिए जा रही हूँ। उनको लग रहा है सेल्फी खींच रही है, नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसके आयामों को देखेंगे ना, जैसे ऊपर नीचे पहुंचाए इस तरह से। तो ट्रेनिंग हॉल से हम लोग निकल चुके हैं और बाहर हो रही है बहुत झमाझम वाली बारिश और हम जा रहे हैं पिथौरागढ़। थोड़ा हमें डर भी लग रहा है कि कहीं रास्ते में रोड ब्लॉक ना हो। कुछ नहीं होगा। ये देखा, बी पॉजिटिव। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी बारिश अभी तक बारिश थी ही नहीं। जैसे ही छुट्टी का समय हुआ तो डीडीहाट में बारिश स्टार्ट हो गई। इसलिए कहते हैं ना कि डीडीहाट के मौसम का कोई पता ही नहीं चलता है। सब लोग इधर उधर शेल्टर में गए हैं और हम निकल रहे हैं। सर बचाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिसके पास सिर को बचाने के लिए छाता नहीं है तो उन्होंने अपना बिल्कुल पेपर का यूज किया हुआ है। अभी हम पहुंचे हैं मिर्ती में और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पे छोटे छोटे स्रोत पानी के, ऐसा लग रहा है कि स्रोत बन गए हैं। तो पहले मिर्ती में ही केवल बंदर हुआ करते थे, इतने ज्यादा बंदर हुआ करते थे। कभी हम इधर आते थे तो बहुत सारे बंदर हमें दिखते थे, लेकिन यहाँ से बंदरों का ऐसा प्लाइन हुआ है कि वो हर जगह फैल गए। प्लाइन नहीं कह सकते, मतलब इतना ज्यादा विस्तार हुआ है उनका कि अब हर गाँव में बंदर मिल ही जाते हैं। पहले यहाँ IDPP पहले से है, IDPP के लोग खाना देते होंगे तो उस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर होते थे। सर बैठे हैं पीछे, सर ने इतना अच्छा कंटेंट बताया। मतलब कहते हैं कि जो बंदर है ना, ये कृषि के लिए जो कृषि कार्य कर रहे हैं उनके लिए इतनी बिगड़ समस्या है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं रखते हैं, साग सब्जी फल अनाज सब खत्म कर देते हैं। लेकिन एक ये चुनौती है ना कि जंगलों से बंदर आ रहे हैं, क्योंकि जंगलों में मुझे लगता है उनको सीजन में ही कुछ खाने को मिलता है, ऑफ सीजन में वहाँ भी ऑफ ही रहता है तो वो आ जाते हैं घरों की तरफ। तो बंदरों की जो एक समस्या है वो हमारे यहाँ बनी हुई है। जो कुछ लोग गांव में बचे हैं तो वो बंदरों से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। गाँव
इतनी बारिश हो गई कि जहां तहां से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तो मैं ये बिल्कुल पानी के जो धारे आ रहे ना इनको देखकर इतना मन मेरा प्रफुल्लित हो गया कि मैं हर जगह का लग रहा है कि ऐसा एक छोटा सा वीडियो शूट करूं और आप लोगों के बीच तक पहुंचाऊं पहाड़ों की वास्तविक सुंदरता को। और इतना रिस्क की सुंदरता भी है ये। एक छोटा सा झरना यहाँ पर भी है। जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना वहाँ बारिश रुक चुकी है, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, उसका सीधा मतलब कि वहाँ पे कोहरा दिख रहा है। इस साइड भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, धुंध वाला है पल पल ना वो। कितना सुंदर सा व्यू दिख रहा है ऊपर से ऐसे उड़ते हुए, ये बिल्कुल कोहरा नीचे जा रहा है तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और वीडियोग्राफी की जाए तो बिल्कुल नेचर के नजदीक आऊं और इसका लुत्फ उठा रहे हैं और बारिश भी आ गई है। अब हम चलते हैं घर को, फिर मिलते रहे, बने रहिए मेरे साथ। बहुत ज्यादा कोहरा लगा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, बरसात में ऐसा ही कोहरा लगता है। पिथौरागढ़ में तो ये कोहरा देखना ही मुश्किल हो गया इस बार। ये मिल गए हमें बंदर, ये बिल्कुल बारिश से भीगे हुए हैं अपने बच्चों को। ग्रामीण परिवेश में इस तरह का कुछ दिख जाता है, देखिए इस तरह महिलाएं कहीं से आती हुई, जब बारिश के बाद वो कहीं रुक गई होंगी, अचानक बारिश आई होगी तो फिर एक साथ ही आई है। अभी बारिश रुकी है तो सब एक साथ आ रहे हैं। सबका घर जाने का समय हो गया, अब गाय बच्चियां चर के भीगते हुए अपने घरों को जा रही हैं।